अभी हम लोग हैं मथुरा स्टेशन पर, और कोरोना के डर से हम लोग रहने वाले थे एक्चुअली 27 तक, और लेकिन कोरोना के डर से हम लोग अभी जा रहे हैं कोलकाता, रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली ट्रेन से, वहाँ से फिर हम लोग बाय प्लेन फ्लाइट से हम लोग कोलकाता जाएंगे। घर वालों को पता नहीं है कि हम लोग आने वाले हैं, उन लोगों को सरप्राइज़ देना है अचानक जाकर, और मेन ये प्रॉब्लम है कि कोरोना की वजह से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बाहर में रहना उचित नहीं होगा, इसलिए वापस जा रहे हैं। अभी हम लोग आ गए, ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। ये शताब्दी ट्रेन है जो कि दिल्ली से हम लोग को मथुरा से दिल्ली 2 घंटे के अंदर में लेकर जाएंगी, और लगभग यहाँ से शायद 135 या 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। ये हम लोग आ गए अभी दिल्ली स्टेशन। दिल्ली स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर ही वेट कर रहे हैं, रात भर हम लोगों को यहीं पर रहना है। सुबह में उठकर हम लोगों को एयरपोर्ट जाना है, इसलिए यहीं पर थोड़ा सा कमर सीधा कर रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, और यहाँ से हम लोगों को 9:30 बजे फ्लाइट है। तो चलिए अब थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट लेना था, इसलिए जल्दी जल्दी जाकर जो स्लीप कर सके, मतलब कमर को सीधा कर सके, और पापा को थोड़ा सा सोना था, इसलिए देख रहे थे कि कहाँ पर वो जगह है, एक चेयर आती है जो लेटने के लिए, वो वाले हम लोग खोज रहे थे। तो वो हम लोगों को सामने जाकर मिल जाता है, जहाँ पर हम लोगों को आने वाला था 52 पर, लेकिन हम लोग 46 के पास में ही थोड़ा सा लेट गए, क्योंकि कमर सीधा करना भी ज़रूरी है, इसलिए यहीं पर लेट गए थे। और फिर 1 घंटा आई थिंक पहले हम लोग गए, और फिर हम लोगों को वहाँ पर अंदर जाने के लिए बोल दिया गया। हम लोग आ गए हैं अभी फ्लाइट के अंदर में, और ये रहा फ्लाइट का नज़ारा, ज़्यादा देर किए नहीं। और ये जो कांच है ये सबसे बकवास है, इसलिए जो भी अगर आपको मैं व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मज़ा ना आए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कांच बाहर से चारों तरफ सारे कांच गड़बड़ थे, ये फ्लाइट ही गड़बड़ थी, सीट पुरानी, सब कुछ बकवास और कुछ नहीं। ये लोग पैसे तो ले रहे हैं, पहले इसी चार्ज में हम लोगों को खाना वगैरह सब देते थे, आजकल अलग से फूड बुक करना पड़ रहा है, मतलब ये लोग पहले से नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोरोना हो जाएगा, लेकिन अगर आप बुक करेंगे तो दे देंगे ये। तो ये कैसा कोरोना है भाई, बुक करने के बाद आप दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आप उस वक्त भी दे सकते हैं। तो ये सारा इन लोगों का ड्रामा है एक्स्ट्रा इनकम करने का, और कुछ नहीं है। पहले वेब चेकिंग खुद से कर सकते थे, मतलब अपने मन की इच्छा हो तो आप अपने सीट सिलेक्शन कर सकते थे, आजकल ये लोग ड्रामा लगा के रखेंगे, आपको वेब चेकिंग पहले से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लाइन में घुसने ही नहीं देंगे ये लोग। तो वो चीज़ मतलब सचमुच का बुरा लग रहा है कि वेब चेकिंग वाला फिर भी ठीक है, आप फूड नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये ड्रामा है। वेब चेकिंग वाला फिर भी ठीक है कि पहले से हम करके रखेंगे ताकि हमें उतना देर लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। लेकिन अगर दिल्ली एयरपोर्ट में अगर आपको जाना है तो दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ही लंबा लाइन रहता है, तो आप मतलब बच के रहिएगा, पहले घुस जाइएगा जितना जल्दी से जल्दी हो, कम से कम 1.5-2 घंटे की टाइम लग जाती है उसमें। तो अभी हम लोग कोलकाता स्लोली स्लोली करके लैंड कर चुके हैं, ये तो आ गए हम लोग कोलकाता। अब हम लोग बाहर की ओर जाते हैं।